केवल ये उपाय करने से शत्रु आपके सामने नाक रगड़ेगा और आपसे माफी भी मांगेगा। एक लहसुन की कली आपके दुश्मन को आपके सामने झुका सकती है और नाक रगड़ने पर मजबूर कर सकती है। साथ ही साथ अगर आप किसी से अपना बदला लेना चाहते हैं या फिर किसी को सबक सिखाना चाहते हैं तो भी केवल एक लहसुन की कली आपको कमाल के परिणाम दे सकती है। और लहसुन की कली का ये उपाय बताया है हमारे बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं ये अचूक उपाय तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों, आपका कितना भी पुराना दुश्मन क्यों ना हो और उसने आपको कितना भी परेशान क्यों ना किया हो, आपके बहुत समझाने के बाद भी अगर वो नहीं समझ रहा है और आपका लगातार नुकसान करते रहता है या फिर आपको धमकियां देता रहता है और चोट पहुंचाता रहता है, आपके बनते हुए काम को बिगाड़ता रहता है और आप इस दुश्मन से छुटकारा पाना चाहते हैं, इसके बुरी नजर से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो गुरुजी का बताया हुआ लहसुन का ये उपाय करके आप अपने दुश्मन का खात्मा कर सकते हैं। तो गुरुजी कहते हैं कि उस उपाय को करने के लिए आपको केवल 3 कली लहसुन की लेनी है और 1 कटोरी नमक की और 1 सुई की जरूरत पड़ेगी। साथ ही आपको 1 काले पेन की जरूरत भी पड़ेगी। इसके साथ ही गुरुजी का बताया हुआ अचूक मंत्र का उच्चारण भी आपको शुद्ध तरीके से करना होगा। तो गुरुजी कहते हैं कि इस उपाय को करने के लिए आप ऐसे तो किसी भी दिन को चुन सकते हैं, लेकिन अगर आप इस उपाय को शुक्रवार, शनिवार और गुरुवार के दिन करते हैं तो यह आपको गजब के फायदे दे सकता है। इस उपाय को करने के लिए आप बिना टोके और बिना किसी को बताए दक्षिण दिशा की तरफ एकांत में मुंह करके बैठ जाए। साथ में आप अपने पास 3 लहसुन की कली, 1 सुई, 1 पेन और 1 कटोरी नमक रख लीजिए। अब आपको तीनों लहसुन की कली को सुई में फंसा देना है और बीच वाली लहसुन की कली पर अपने शत्रु का नाम लिखना है। इसके बाद आपको 21 बार गुरुजी का बताया हुआ वह अचूक मंत्र बोलना है और ध्यान रहे कि इस मंत्र को बोलते समय ना तो आपको कोई देखे और ना ही आपको कोई टोके। तो गुरुजी का बताया हुआ यह अचूक मंत्र है या मरगतसम। ये 2 शब्द का छोटा सा मंत्र आपकी जिंदगी में आपके शत्रुओं को हमेशा के लिए दूर कर सकता है। तो इस मंत्र को आपको लगातार 21 बार बोलना है और अपने आंखों के सामने अपने शत्रु का ध्यान करना है। अब अपनी आंखें बंद करके अपने शत्रु का नाम लीजिए और उसके बारे में सोचिए और उसका चित्र आपके सामने आ जाना चाहिए। अब आपको यह लहसुन की कली लेनी है और जो नमक की कटोरी थी उस कटोरी में इस लहसुन की कली को रखकर आप किसी एकांत वाली जगह पर चले जाए। अब आपको किसी ऐसी जगह को ढूंढना है जहाँ पर कोई कांटेदार पौधा हो, वही जमीन में इस कटोरी को दबाकर आ जाना है और फिर देखिएगा केवल 4 दिनों के अंदर आपके जो भी शत्रु हैं वो या तो बीमार हो जाएंगे या फिर खुद आकर आपसे माफी मांगेंगे और शत्रुता को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। लेकिन दोस्तों, उपाय को करने से पहले इस बात का खास ख्याल रखें कि आप इस उपाय का कोई भी गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि जब भी हम किसी का बिना कारण बुरा करना चाहते हैं तो हमारे साथ भी बुरा हो सकता है। इस बात का खास ख्याल रखिएगा और इस उपाय को करने के साथ ही आप अपने शत्रु से छुटकारा पा सकते हैं और आपका शत्रु खुद आपके पास चलकर आएगा और आपसे माफी मांगेगा। तो दोस्तों, यह था शत्रु से माफी मंगवाने का और शत्रु को झुकाने का गुरुजी का बताया हुआ अचूक उपाय। उम्मीद करते हैं आपको गुरुजी के उपाय जरूर पसंद आए होंगे। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक कीजिएगा और इस वीडियो की जानकारी सभी लोगों को जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी हमने इंटरनेट के माध्यम से ली है, इसमें हमारा कोई भी हस्तक्षेप नहीं है। इस वीडियो का मकसद केवल आप सभी को पूरी जानकारी देना है, न कि किसी की भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले वीडियो।